जो लोग गढ़वाल राइफल्स के बारे में नहीं जानते वो ये वीडियो जरूर देखें, और जो लोग जानते हैं वो तो जरूर देखें। फॉर इंडियन आर्मीज, चारों तरफ आर्मी आर्मी है। आगो, आगो। हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया है। भाभी इसमें जाओ। बुल्ला ताल में आपका स्वागत है। इतना गर्म होता है ये? अच्छा, ये हिमालय दिखता है यहाँ पे? ये कितनी भीड़ है वहाँ पे। खुले पैसे लेके आना, इसका जूस बनता है। आर्मी मैन की वाइफ होना ही प्राउड की बात है। ट्रेनिंग चल रही है। उसको दरबार सिंह नेगी जी की सेना ने रातों रात कर दिखाया। Hey guys, welcome back to my new vlog. आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन। अब आपको वहां चल के दिखाते हैं। हाय, इन्होंने बोला कि हमारी भी ब्लॉग बनाओ। तो गाइस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी कन्नू भैया के साथ घूमने गई है। थोड़ा सा मिली, हाय करो। अच्छा देखते हो आप। दीदी यहाँ पे लहसुन को पानी दे रही है, पानी लगा रही है। हाय गाइस बोलो। आप नहा गए? ओ नहा धो के पूजा भी कर ली दीदी ने। वाह, अरे दीदी की लहसुन देखो। क्या बोला तूने? प्याज। प्याज है? अच्छा, अरे हाँ ये तो प्याज है। हम लोग तो तैयार हैं जाने के लिए। ये लोग स्कूल के लिए तैयार हैं और मैं तो दिल्ली के लिए तैयार थी। और लैंसडाउन जा रही हूँ। अरे तू जा रही? वहाँ से होती है हमारी लैंसडाउन की जर्नी स्टार्ट। ब्रेक लिया भैया ने। गाइज हम यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं। देखिए गाइज, देखिए कितनी मस्त जगह है। पेड़ ही पेड़ चारों तरफ, कितना अच्छा लग रहा है यार। थक गए भाभी? नहीं। गाइस लैंसडाउन पहुंच चुके हैं। चारों तरफ आर्मी आर्मी है। देख के अच्छा लग रहा है। भारत के पहले विक्टोरिया क्रॉस विनर की ये बात सन 1914 की है, जब पूरी दुनिया के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अगस्त 1914 में भारत से पहली 39वीं गढ़वाल और दूसरी 49वीं गढ़वाल राइफल की दो बटालियन को प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। अक्टूबर में पहुंची दोनों गढ़वाल राइफल की बटालियन को भीषण ठंड में जर्मनी के द्वारा कब्जे किए गए फ्रांस के कुछ हिस्सों को खाली करवाने का कार्य दिया गया। 23 और 24 नवंबर को 1914 की मध्य रात्रि को हमला कर जर्मनी से सुबह होने तक पूरा इलाका खाली करा लिया गया। जिस कार्य को पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी सेना नहीं कर पाई, उसको दरबार सिंह नेगी जी की सेना ने रातों रात कर दिखाया। युद्ध में दरबार जी के अदम्य साहस को देखकर किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 5 दिसंबर 1914 को ही युद्ध के मैदान में पहुंचकर उनको विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। साथ ही साथ उनकी वीरता के कारण गढ़वाल राइफल को बैटल ऑफ फिस्ट वर्ल्ड इन फ्रांस का खिताब दिया गया। 1924 में उन्होंने समय से पहले ही स्वैच्छिक रिटायरमेंट तो ले लिया, लेकिन आज भी उनकी याद में लैंसडाउन में एक संग्रहालय स्थित है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको दरबार सिंह नेगी और भारत के पहले विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड विनर के बारे में सही जानकारी मिल पाई होगी। गाइस ग्राउंडर ट्रेनिंग चल रही है आर्मी की। म्यूजियम है। अंदर म्यूजियम में गए थे हम, पर वहाँ पे साथ फोटो लेना अलाउ नहीं है, शायद के अलाउ है ही नहीं, तो हमने कुछ नहीं लिया। पर वहाँ अंदर जाके ना सारी पुरानी चीजें, मतलब क्या फील है यहाँ के। सही में एक आर्मी मैन की वाइफ होना ही प्राउड की बात है यार। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। हाँ सही में बहुत ज्यादा। गाइज एक बार आप भी आना जरूर यहाँ पे। हम आए हैं चर्च में। बंद है, बुरास का फूल है गाइस, ये बुरास का फूल है। इसका जूस बनता है, देखो अंदर जूस भी है इसके। जूस बनता है इसका, राज्य पुष्प। ओहो,
प्यारा लग रहा है यार, कितने सारे हैं पता, वहाँ पे हर जगह पे है ये। लो भाभी मेरी तरफ से वेलकम टू यू टिप एंड टॉप। ये टिप एंड टॉप है, यहाँ से व्यू दिखता है शायद। देखिए गाइस कितने सारे रास के फूल हैं, नीचे भी वो देखो, नीचे भी। टिकट लेने के लिए आओ तो खुले पैसे लेके आना। कितने का एक टिकट? 20 रुपए का टिकट है। सब ने बोला घर पे कि वहाँ पे ठंड होगी, जैकेट ले जाओ, इनको तो जैकेट पहना ही दिया। अच्छा बस मैं डेनिम में आई हूँ, ये देखो जैकेट लेके आए तो ठंड हो रही है, हमें पकड़ा रखी जैकेट। गाइस देखिए कितनी भीड़ है वहाँ पे। अभी आए गाइस, वो रहा भैरव गढ़ी, दिख रहा है ये? हाँ यही वाइट वाइट दिख रहा है जो। टिप एंड टॉप से व्यू देखिए घर में बैठे बैठे। फोन में डिफाइन नहीं होता ना जो रियल में दिख रहा है। अगर ठंड के टाइम पे आए हैं जून जुलाई। अच्छा ये हिमालय दिखता है यहाँ पे? अरे हमें लेट हो गई शायद गाइस, ठंडी के टाइम आएंगे, ठंडी के टाइम लेके आना। नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो आपको हिमालय जरूर दिखाएंगे, तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। गाइस बुलेट में मेरा जूता गल गया। अरे इतना गर्म होता है ये? गर्म तो होता है यार पर ये फ्लैट हो गया। बिना ऑन करे चला रहे बाइक हम। कैसा रास्ता है यहाँ पे? विनोद के जा रहे हम, विनोद के जा रहे हैं। स्टार्ट नहीं करी बाइक आपने? वाह स्पीड सही है यार, करी है? नहीं की ना। कैसा आया हूँ अब की? अब दोबारा बंद। गाइस अब भुल्ला ताल में आपका स्वागत है। चीज दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छी लगी मुझे। वृक्ष हमारी शान है, जीवन की मुस्कान है। यहाँ पे बोटिंग होती है तो हम बोटिंग करने आए हैं। भैया कहाँ गए? यहाँ पे बोटिंग होती है गाइस, बहुत भीड़ है बोटिंग करने पे इसलिए हम नहीं जा रहे, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो रहन दो फिर, तब तक हम झूला झूलते हैं। चलो भाभी, यहाँ भाभी और मैं झूला झूलने आए हैं। हमारी के बनाने तो उतर जाओ, बहुत बनाने के लिए। गाइस हम इसमें बैठ तो चुके हैं पर हमें हमारी वीडियो कौन बनाएगा? तो ये तुम्हारा समस्या है। अब झूलो भाभी, कैसे झूले? अरे ऐसे झूलते हैं छोटे बच्चे। भैया वीडियो बना दो, वो अकेले अकेला आइसक्रीम खा रहे, देखना हम भी है साथ में। वो कह रहे तुम झूलते रहो। चीटिंग 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 करता है तू। चल बहुत है इतना। ओके 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 भाभी इसमें जाओ, भाभी जाओ। छोटी बच्ची हो क्या? हेलमेट में रखी थी बैडी लाल ये आइसक्रीम, और हम इन्हें दूर से ही देख सकते हैं। हम कुछ खाने पीने रुके हैं, हमारा खाना भाभी सर्व कर रहा है। ये मेरा खाना है गाइस, बिना बाइक स्टार्ट करे जा रहे हैं। कितना पेट्रोल बचा लिया भैया ने, स्पीड भी सही है। इस हमारी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रही। वो बैठे हैं तो फोटो खिंचवाई लेते हैं, फोटो खिंचवा रहे थे हम लोग। ओ अगर मेरा फोन नीचे गिर गया तो नहीं। भाभी पंचर की दुकान देखने गई थी, मिली एक दुकान पर बंद है पता नहीं। हमारी गाड़ी को क्या हो गया गाइस? गाड़ी नहीं सॉरी बुलेट गाइस, अब हम पैदल जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अब हम किसी का वेट कर रहे हैं, कोई आएगा तो हमें गाड़ी चालू हो गई है। जल्दी आ चालू हो गई। भागो भाभी, भागो चालू हो गई। भाभी बैठो जल्दी। चलो। ग्रेट सक्सेस। फिर रुक गई क्या?
मैं वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन करा था कि इस झंडों की वीडियो बनाऊंगी। ऐसे देख लो गाइस। 2000 years later. गाइस हम घर आ चुके हैं। ये बैग भैया का पुट्ठू भाभी। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, और आप बिना लाइक करे चले जाते हैं अच्छी बात नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले मेरे बारे में। यार क्या जा रहा है, कमेंट कर दो, ऐसे हाथ उठाओ और बटन दबाओ और लिख दो मेरे बारे में कुछ अच्छा सा। और मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्रतिज्ञा लें कि आप अच्छे कंटेंट को दबने नहीं देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय इंडियन आर्मी, सैल्यूट इंडियन आर्मी, जय हिंद।